हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फाइनली एक और अपडेट जो है एप्पल ने रिलीज़ कर दिया है, iOS 16.0.2। इस अपडेट में क्या कुछ नया मिला है और क्या कुछ ठीक हुआ है पुराने आईफोन्स में, नए आईफोन्स में, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर एप्पल के अपडेट से रिलेटेड जो वीडियोज हैं वो मिलती रहती हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि आईफोन 13 मेरा आज ही आ जाएगा और उसकी कोशिश करूँगा जो अनबॉक्सिंग वीडियो है मैं बहुत ही जल्दी बना दूँ। 23 तारीख अभी मेरे पास मैसेज आया कि जो है आईफोन 13 आपका जो है आउट फॉर डिलीवरी के लिए निकल चुका है और वो मैंने कितने में क्या खरीदा था सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और आगे से अब ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं वो आपको आईफोन 13 पे ही मिलेंगी। क्या आपने कोई आईफोन ख़रीदा है इस बिग बिलियन डेज में, तो नीचे कॉमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं गाइस इस अपडेट के साइज से। तो इसका साइज़ आप लोग देख लीजिए गाइस, वो है 255.2 MB, तो करीब 250 MB के आसपास का ये अपडेट है। और यहाँ पे मैं बात करूँ अगर अपडेट से पहले का क्या सीन था, तो अपडेट से पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका जो iOS वर्जन था वो था 16.0.208.3.6.2 और यहाँ पे जो इसका अवेलेबल स्पेस था वो था 98.02। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अपडेट के बाद, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि अपडेट से पहले ही आप लोग ये देख लीजिए इसमें क्या कुछ जो एप्पल कह रहा है फिक्स करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जो है आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में, जो ये थी कैमरा में वाइब्रेट एंड कॉज ब्लरी फोटोज़ व्हेन शूटिंग विद सम थर्ड पार्टी एप्स ऑन आईफोन 14 प्रो एंड 14 प्रो मैक्स। कुछ थर्ड पार्टी एप्स की वजह से कैमरे में इशू आ रहा था गाइज। डिस्प्ले जो है कुछ इशू कर रही थी आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स की, जो है काफ़ी सारी जो है लीक्स आप लोगों ने देखे होंगे जो ऐसी चीज़ें निकल के आ रही थी। वॉइस ओवर में भी अनअवेलेबल आफ्टर रिबूटिंग, फ़ोन को रिबूट करने के बाद जो है वॉइस ओवर में प्रॉब्लम आ रही थी। एड्रेस इन इशू एंड इशू विद टच इनपुट आईफोन एक्स, जो आईफोन एक्स है उसमें कुछ इशू आ रहा था गाइस जो है डिस्प्ले वगैरह में। तो वो सारी चीज़ें जो हैं इस अपडेट में एप्पल ने जो है वो फिक्स कर दी है। यहाँ पे जो है आईफोन XR और X में जो है कुछ इशू आ रहे थे। आईफोन 11 डिस्प्लेज आफ्टर बीइंग सर्विस्ड, कुछ इशू आ रहे थे जो है अगर आपने के पास आईफोन 11 है सर्विस कराया हुआ है उसके बाद भी कुछ इशू आ रहा था, तो वो सारी चीज़ें जो है एप्पल ने इस अपडेट में वो है फिक्स कर दी हैं। बाकी यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या कुछ नया मिला है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने मैं देखता हूँ कि क्या कुछ नया देखने को मिलता है यहाँ पे। तो इसका जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं। 20A380 हो गया है और पहले क्या था गाइस जो है आप लोग देख लीजिए 20A362 था। तो यहाँ पे इसका जो वर्जन है वो चेंज हो चुका है और अवेलेबल स्पेस 98.6.1 बचा है अभी, और पहले गाइस जो है कुछ कम था तो थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो बढ़ गया है। बाकी यहाँ पे मेरी जो डिस्प्ले आप लोग देख सकते हो वो चेंज हुई, जेन्युइन एप्पल पार्ट, मेरे भी कुछ इशू हो गया था मैंने आपको बताया था तो वो मेरा चेंज है। और इसकी जो रिपेयर थी 17 तारीख को ही, वो भी अभी डेट लिख कर आ गई है, अभी कुछ दिन पहले ही जो है इसको रिपेयर मैंने कराया हुआ। तो यहाँ पे बाकी सब ठीक ठाक है। अगर मैं बात करूँ मॉडर्न फर्मवेयर की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3.07। तो यहाँ पे मैं अगर बताना चाहूँगा कि कुछ खास नया तो नहीं मिला है इस फ़ोन में, बाकी जो अर्जेंट अपडेट कहूँगा ये था, क्योंकि जो आईफोन 14 प्रो लेके बैठे हैं उनमें जो है इतना बड़ा इशू अगर हो रहा था तो उनको कितनी बड़ी दिक्कत जो है गाइस वो हो रही होगी, क्योंकि अभी अभी कुछ लोगों ने इतना फ़ोन ख़रीदा, इतना पैसा डाल के, और उनको अगर इस तरह की कोई परेशानी हो रही होगी तो उनको कितनी बड़ी जो है वो दिक्कत हो रही होगी। तो ये अपडेट बेसिकली मैं कहूँगा जो है 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स यूज़र्स के लिए ज़्यादा जो है यूज़ेबल था, तो उन्हीं के लिए अपडेट आया है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि ये अपडेट जो है किस किस फोन्स के लिए आया है। दिस लेटेस्ट वर्जन ऑफ iOS 16.0.2 फॉर आईफोन 8 एंड लेटर। आईफोन 8 में जो भी लोग मतलब कि स्टेबल अपडेट iOS 16 का यूज़ कर रहे थे उनके सभी फोन्स में ये अपडेट जो है वो आया है, तो सभी लोगों को ये अपडेट कर लेना चाहिए। और द लेटेस्ट वर्जन iOS iPadOS 15.7, इसमें जो है मैं तो यूज़ ही कर रहा हूँ अपना iPad mini में, लेकिन अभी इसमें iPadOS 16 नहीं आया है, तो जैसे कुछ आता है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। तो मेरे iPad mini में तो अभी लेटेस्ट अपडेट ही चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। iPadOS 15.7 ठीक ठाक चल रहा है। बाकी ये अपडेट अगर आपके पास जो है आया है 16 जो है स्टेबल अपडेट यूज़ कर रहे हो, तो इस अपडेट को मेरे हिसाब से आपको कर लेना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बाकी सिक्योरिटी अपडेट्स है और आपको मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको इस पर ऐसे काम की वीडियोज़ जो है वो मिलती रहती है। मिलते हैं गाइस आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।